स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आर एस फाइनल डेस्टिनेशन में। आज हम अपने प्राचीन भारत की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम महाजनपदों के बारे में जानेंगे। ये कितने थे और किस किस ने इस पर शासन किया और इसके राजा कौन थे, उनकी राजधानियाँ कौन सी थी। कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि उन राज्यों के जो राजधानियाँ थी, सब ज़्यादा उन्हीं के बारे में पूछता है और उसके शासक के बारे में पूछता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका वर्णन किसके किस ग्रंथों में इनके बारे में मिला है हमको। तो सबसे पहले जानते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। जैसे जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें 16 महाजनपदों का वर्णन हुआ है। इसी प्रकार जो बौद्ध ग्रंथ है, जिसका नाम अंगुत्तर निकाय है, उसमें भी 16 महाजनपदों का वर्णन हुआ है। जो अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपद हैं, वो दो भागों में बटे हुए हैं, एक राजतंत्र और एक गणतंत्र। राजतंत्र वो होते हैं जिसमें राजा का अधिकार होता है, गणतंत्र जिसमें। तो सबसे पहले राजतंत्र जानते हैं। राजतंत्र कौन कौन से थे उस समय? राजतंत्र थे जो बज्जी और मल्ल को छोड़कर जो भी जितने भी राज्य थे, जनपद थे, वो क्या थे? राजतंत्र थे। और बज्जी और जो मल्ल थे, वो थे गणतंत्र थे। तो हमने जाना कि जो महाजनपदों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, वो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। उसके बाद हमने जाना कि ये 16 महाजनपदों को दो भागों में बांटा गया था, एक थे राजतंत्र और एक गणतंत्र। इसमें जो गणतंत्र थे, वो थे आपके बज्जी और मल्ल। ये तो बात हुई कि इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि 16 जो ये महाजनपद थे, कौन कौन से थे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वत्स की। इसकी जो राजधानी थी कौशाम्बी थी और इसका राजा जो था उदयन था। तो उदयन के बारे में, इसके जो उदयन की जो विवाह हुआ था, वो हुआ था प्रघोत, जो कि कहाँ का राजा था? ये प्रघोत की जो पुत्री थी वासदत्ता, किससे? जो प्रग्रा ये जैन प्रघोत की जो पुत्री थी वासदत्ता से उदयन का विवाह हुआ था। और इन्हीं के दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में जो एक कवि थे भास, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था स्वप्न वासदत्ता। समझ में आया? और इसको शिशुनाग ने अपने राज्य मगध में मिला लिया था। तो ये वत्स को किसने मिलाया? शिशुनाग ने मिलाया था। और इसका राजा कौन था? उदयन था। और राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। और इसमें छोटा सा बता सकते हैं, जो भास ने जो अपना ग्रंथ लिखा है ये स्वप्न वासदत्ता, ये किसके प्रेम प्रसंग के बारे में है? तो ये है उदयन और वासदत्ता के बारे में। ये तो बात हुई वत्स राज्य के बारे में, महाजनपद के बारे में। अब बात करते हैं अश्मक। अश्मक की जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी और इसका जो राजा था वो कौन था? मुलक था। समझ में आया कौन था? मूलक था। ये एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत, केवल एकमात्र दक्षिण भारत में जो था, एक यही था, जिसका नाम क्या था? अश्मत था। वह इसके बारे में इतना ही काफी है। उसके बाद जाते हैं काशी। काशी की जो राजधानी थी बनारस थी और इसका जो संस्थापक था वो था आपका दिब्रो दास। इसका सबसे पहले जो काशी का सर्वप्रथम जो उल्लेख हुआ है वो हुआ है अथर्ववेद में। इसमें हम भी जानते हैं जो काशी पे जो शासन था वो कौशल का था। और कौशल में जो आपके राज बिम्बिसार ने कौशल की जो बहन थी उसे विवाह किया था, विवाह स्वरूप काशी उनको दहेज में प्राप्त हुआ था। उसके बाद बात करते हैं चैदी। चैदी के जो शासक थी, राजधानी थी वो सुक्तिमती थी और यहाँ का जो शासक था वो शिशुपाल था। इसके बाद मल्ल की बात करते हैं। हम जानते हैं मल्ल जो है वो मल्ल जो गुड़ वो क्या कहते हैं गढ़ राज्य है और इसको क्या बोल इसकी जो राजधानी थी कुशीनारा थी। इसके बाद जान बात करते हैं कम्बोज। कम्बोज की राजधानी हाटक थी, उसका अवंती। अवंती अवंती के बारे में जैसे कि हम जानते हैं कि अवंती पे जो शासन किया था किसने किया था? शिशुनाग ने इसको अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो इसकी दो राजधानियाँ थी, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। जो उत्तरी राजधानी थी उज्जैनी थी और दक्षिणी जो राजधानी थी इसकी वो महिष्मति थी। और इन दोनों के बीच में एक नदी बहती थी जिसका नाम था बेत्रावती। तो ये पूछ सकता है अवंती की उत्तरी राजधानी कौन सी थी और दक्षिणी राजधानी कौन सी थी। आप बता सकते हैं कि उत्तरी जो राजधानी थी इसकी ये थी उज्जैनी और दक्षिणी थी महिष्मति। तो इसका शासक कौन था? शासक था चंड प्रघोत। और ये किसके समकालीन था? बुद्ध के समकालीन। कभी कभी पूछ लेते हैं, आपको ऑप्शन में दिया होगा कि इनमें से कौन सा बुद्ध के समकालीन नहीं है। ऑप्शन हम जानते हैं बुद्ध के समकालीन कौन कौन है। एक आपका है चंड प्रघोत है, प्रसन्नजीत है, और इसके अतिरिक्त आपके बिंबिसार और अजातशत्रु, ये लोग भी क्या थे? बुद्ध के समकालीन थे। इसके बाद बात करते हैं हम आगे के जो महाजनपद हैं, जैसे बज्जी। बज्जी का जो शासक था, इसकी राजधानी वैशाली थी और इसका शासक चेटक था। आप जैसे बज्जी के बारे में भी आज जानते हो कि अजातशत्रु के समय में इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ था और मेन कारण क्या था? गंगा नदी को लेकर इनका मेन कारण था, जिससे कि उन पे जो खाने थी
खानों के बारे में इनको मतलब इनमें दोनों में एक समझौता हुआ था कि इससे जो रत्न निकलेंगे वो दोनों रथ हम आधे आधे बांटेंगे, लेकिन बच्चे संघ ने क्या किया उसे पूर्ण अधिकार कर लिया, जिस वजह से इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। और जो अजात शत्रु था इस युद्ध में उन्होंने दो अतिरिक्त ऐसे हथियारों का प्रयोग किया था जो पहली बार प्रयोग किए गए थे, जैसे रथमूशल और महाशिला कंठक। यह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे जब हर्यकवंश के बारे में जानेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तुम्हें पता होना चाहिए स्टार्टिंग में भी। अंग की राजधानी चंपा है ये पता है, गंधार की राजधानी क्या तक्षशिला है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर है और इसके राजा विराट थे। कुरु कुरु के हम जानते हैं इसकी दो राजधानी थी, एक इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। पांचाल पांचाल की जो राजधानी दो थी, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल को अहिच्छत्र कहते हैं, जिसको जिसका अब जो आधुनिक नाम है बरेली है। बरेली के आसपास का रामपुर जो ये क्षेत्र है ये अहिच्छत्र कहलाता था। और दक्षिणी जो इसकी राजधानी थी वो है फर्रुखाबाद। इसके बाद मथुरा कभी पूछ लेता है सुरसेन की राजधानी क्या मथुरा है। और सबसे ज्यादा जो इसमें पावरफुल जो महाजनपद था मगध था, क्योंकि सभी सभी ये जो राज्य थे जनपद थे इनको किससे मिला लिया था, मगध में मिला लिया गया था। तो हम सबसे ज्यादा आगे जो अगली क्लास पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे मगध के बारे में, जानेंगे मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। मगध साम्राज्य प्रारंभ होता है ये हर्यकवंश से, हर्यक मगधवंश से, के जो प्रमुख जो स्टार्टिंग के जो राज्य हैं वो जो थे हर्यकवंश, शिशुनागवंश और नदवंश, जिसके बारे में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। उससे पहले एक बार हम रिविजन कर लेते हैं जिससे कि हम लोगों को याद रहे कि सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि 16 महाजनपदों का जो वर्णन हुआ है वो कौन से ग्रंथ में हुआ है। जैसा हम जानते हैं इनका जो वर्णन हुआ है जैन ग्रंथ कौन सा है, वो भगवती सूत्र। और जो बौद्ध ग्रंथ है वो है अगुंतर निकाय, जिनमें 16 महाजनपदों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। 16 महाजनपद जो है वो दो भागों में विभाजित किए गए हैं, एक है आपका राजतंत्र एक गणतंत्र। इनमें से गणतंत्र कौन से हैं, गणतंत्र बज्जी और मल्ल। इसके बाद मुख्य हम जानते हैं जैसे अवंती, अवंती का शासक कौन था, अवंती का शासक कौन था प्रसेनजीत, वो सॉरी प्रघोत था। उसके बाद जानते हैं हम कि हम कोशल का राज्य कौन था, प्रसेनजीत था। उसके बाद जानते हैं काशी का कौन था, काशी का कौन था द्रिभुदास था। वत्स का कौन सा, कौशाम्बी। और जो भास ने अपना जो ग्रंथ लिखा था क्या नाम था उसका, स्वप्नवास दत्ता, किस शासक किस राज्य के महाजनपद के राजा की प्रेम प्रसंग के बारे में लिखा गया था। तो हम बता सकें वत्स के एक राजा थे उदयन, और उनकी जो शादी विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था, चंड प्रघोत की पुत्री बास दत्ता के साथ हुआ था। इन दोनों के प्रेम प्रसंग को लेकर ही बास ने एक ग्रंथ लिखा था। तो हमने बस जाना, इसके बाद हम जानते हैं हर्यकवंश के बारे में, उसके बाद शिशुनाग वंश के बाद नंदवंश। थोड़ा जान लेते हैं हर्यकवंश, हर्यकवंश से जैसे स्थापना किसने की, बिम्बिसार ने की, शिशुनाग वंश की शिशुनाग ने की, और धना जो नंदवंश की होती है उसकी महापद्म नंद ने की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हिस्ट्री की में, जब तक के लिए गुड नाइट।